नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला। देखिए, हमारे सिलेबस में बाल मुकुंद गुप्त का जो आशा का अंत निबंध है वो हम कर चुके हैं। आज हम उनकी निबंध कला के बारे में जानेंगे। गुप्त जी ने अपने निबंध में राष्ट्रीय चेतना का चित्रण किया है, प्रतंत्र भारत की पीड़ा और अंग्रेजों की दमनकारी नीति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो आइए इसी निबंध के आधार पर हम गुप्त जी की निबंध कला को जानने का प्रयास करते हैं। निबंध कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके आधार पर सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, स्वच्छंदता एवं सुबद्धता। देखिए, आशा का जो अंत निबंध है ये स्वच्छंद प्रकृति का एक मौलिक निबंध है, यानी इनके खुद के विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने इस निबंध में की है। इसमें कहीं पर भी इन्होंने अपनी कला को सुधारने का प्रयास नहीं किया, या कहीं पर भी इन्होंने निबंध के शब्दों को या भावों के साथ इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यानी भाव प्रधान निबंध है, यहाँ पर कलात्मक इसको कलात्मक बनाने का उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस निबंध को उन्होंने जो इनके विचार या भाव है उनको व्यंग्य से जोड़कर प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में काफी अनोखा है। इस निबंध के जो भाव हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार से स्वच्छंद है जैसे एक स्वतंत्र नदी अपनी गति से आगे बढ़ती हुई चली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ जो भाव हैं वो गतिमान हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये सुसंबद्ध है, यानी बधा हुआ निबंध है। यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है, उस समय भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताया है, भारतीय राजाओं की कैसी हीनता थी यानी कैसे उनके विचार हो गए थे वो भी इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। इसके साथ साथ मृत्यु कितना शाश्वत है या मृत्यु की स्थिति कैसी शाश्वत है ये भी इस निबंध के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया। यानी सभी जो घटनाएं हैं इस निबंध में वो एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई विचार ऐसा हो जो इस निबंध के विचारों से मेल नहीं खाता या जो अलग थलग है। यानी संपूर्ण निबंध बदा हुआ है विचारों की उलझन या विचारों की जो इसमें गुंफन है वो बहुत ही गहरी है, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए विचार हैं। दूसरा जो यहाँ हमने पॉइंट लिया है वो हृदय और बुद्धि का समन्वय। हृदय यानी मन, बुद्धि यानी विचार। हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं और बुद्धि वहां पर विचार करती है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपने जो मन है उनका और बुद्धि के विचारों का बहुत ही सुंदर तालमेल इस निबंध के माध्यम से किया है। जो इनका मन है वो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के प्रति जो प्रेम का भाव है वो इनके मन में है, लेकिन इनकी बुद्धि अंग्रेजी शासन और सत्ता का विरोध करते हुए प्रतीत होती है। तो इन्होंने अपने मन के भावों को अपने विचारों के साथ जोड़कर अभिव्यक्त करने में पूर्ण कुशलता से अपने शब्दों का प्रयोग किया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है परिपूर्णता। इनके निबंध को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये एक अपने आप में परिपूर्ण निबंध है। अंग्रेजी राज्य की 100 वर्ष से जो आशा से बढ़कर उन्नति हुई है और भारतीयों की जो हीनता हुई है या भारतीयों की दशा जो दयनीय हुई है, इसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन के समय में जो अंग्रेजी शासन की दशा रही है, अंग्रेजी शासन की स्थिति रही, भारतीयों की जो निरंतर गिरती हुई स्थिति रही, इसके साथ साथ जो मृत्यु का सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो भी इन्होंने इस निबंध में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस निबंध में केवल लॉर्ड कर्जन की इन्होंने आलोचना ही नहीं की, बल्कि अंग्रेजी शासन जो विक्टोरिया के हाथ में था, महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनकी इन्होंने प्रशंसा भी की है। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया को जो भारत के लोग है वो माता तुल्य समझते हैं और उनके जो पुत्र महाराज एडवर्ड है उनकी भी भारत के प्रति जो भावनाएं हैं उनका भी वो सम्मान करते हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू की गई जो नीतियां हैं या उनके द्वारा चलाया गया जो शासन है उससे लोग प्रसन्न नहीं है, उन भावों को भी इन्होंने पूर्ण रूप से अपने निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। फिर देखें अगर संक्षिप्तता, यानी इस निबंध में बहुत सारे विचारों को साझा किया है, बहुत सारे विचारों को एक माला में पिरोया है या एक कुछ भावों को यहाँ पर पिरोने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं भी अगर हम देखें तो ये निबंध बोरियत भरा नहीं है। यानी नपे तुले शब्दों में इस निबंध को उन्होंने बांधा है
और इसका आकार कोई बहुत बड़ा नहीं है कि हम पढ़ते पढ़ते बोरियत का अनुभव करें, यानी संक्षिप्तता है इसमें, भावों की, विचारों की और शब्दों की संक्षिप्तता हम इस निबंध के माध्यम से देखते हैं। संक्षिप्त रूप से अपने मन के भावों को पूर्णतः अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। उसके बाद है रोचकता। देखिए, निबंध में सभी जो भाव हैं या विचार हैं, चाहे वो कर्जन की शासन या नीतियां हैं, चाहे महारानी विक्टोरिया के द्वारा लागू किए गए नियम नियम है और उनका भारत पर प्रभाव है, या भारतीयों की उस समय की दशा है, या इसके साथ साथ अगर देखें तो इनके जो कहने का तरीका है वो क्या है, रोचकता से परिपूर्ण है। इन्होंने जो लॉर्ड कर्जन है उनके द्वारा अशांति फैलाने की जो बातें की गई थी उनको भी बड़े स्पष्ट रूप से अपने निबंध में प्रकट किया है। इसके साथ साथ जो धर्म पर कटाक्ष किया था लॉर्ड कर्जन ने, उसको भी इस निबंध के माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि लोग जागृत हो सकें और जागृत होकर अपने विचारों, अपने हक के लिए वो संघर्ष कर सकें। तो ये निबंध रोचकता से परिपूर्ण निबंध है। उसके बाद आता है व्यंग्यात्मकता। देखिए, उस समय जो वातावरण था वो कुछ ऐसा था कि अगर अंग्रेजी शासन और सत्ता के प्रति कोई आवाज उठाता तो उसकी या तो कृतियों को जला दिया जाता या उनको निषेध कर दिया जाता, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इसीलिए लेखकों ने जिस लिखने की तरीके को चुना वो था व्यंग्यात्मक तरीका, यानी व्यंग्य, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसकी नीतियों पर कटाक्ष करना या उनके द्वारा लागू किए गए नियमों पर उनका उपहास उड़ाना और उसके माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ये उस समय के लेखकों का एक मुख्य तरीका था अपने विचारों को व्यक्त करने का। और गुप्त जी ने भी इस तरीकों को बहुत सुंदर तरीके से अपने निबंध में प्रस्तुत किया है या इसका उपयोग किया है। इसमें इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से एक तो भारत की स्थिति का वर्णन किया है और दूसरा जो लॉर्ड कर्जन है उसके द्वारा जो लागू की गई नीतियां हैं उनका या उनके शासन करने का जो तरीका है उस पर भी अपना व्यंग्यात्मक जो उनकी टिप्पणी है या व्यंग्य के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से की है। तो ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस पर इसमें अगर हम गौर करें तो यहाँ पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, चाहे वो भारत की स्थिति है या लॉर्ड कर्जन की शासन करने का तरीका है, सभी पर कठोर प्रहार करते हुए करारा व्यंग्य किया है। उसके बाद है वैचारिक स्पष्टता। देखिए, इनके निबंध में जो वैचारिक स्पष्टता है वो साफ साफ दिखाई देती है। इन्होंने अपने भावों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की है, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है, जिससे कि इनके व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इनके जो विचार हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वच्छंद विचार हैं। इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों को ही नहीं दिखाया, बल्कि इसके साथ साथ जो अंग्रेजी शासन और सत्ता का तरीका था उसको भी यहाँ पर स्पष्ट की करने का प्रयास इन्होंने किया है। उसके बाद अगर बात करें सशक्त भाषा शैली, क्योंकि अगर भाषा सशक्त होगी तो ही विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकेगा। इनकी जो भाषा है वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इन्होंने अत्यंत उग्र भाषा का प्रयोग किया है और इसके साथ साथ अगर देखें तो इनकी जो भाषा है वो इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण भी रही है। यानी इनके लिखने का तरीका और उसमें जो शब्द चयन योजना है इनकी, वो अपने आप में अनोखी और निराली है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त की जो निबंध कला है वो अपने आप में अद्भुत है, जो कि अपने भावों को और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यहाँ पर हमें इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से इन विशेषताओं को अभिव्यक्त करना है। ये बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आपके प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।